हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि इट्स नॉट ए प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी के, इवन पासपोर्ट भी जो है सो इंडियन नेशनल होने का जो सो सबूत नहीं है, सबूत डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर ये चीज़ है, अगर मिसाल के तौर पर कोई इंडियन नेशनल नहीं होता है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स होता है, तो सवाल हमारा ये है कि क्या UIDAI वालों को अख्तियार है कि इंडियन नेशनलिटी प्रूफ करो बोलकर एक नोटिस जारी करना किसी को? तो ये सवाल है। तो यहाँ पर कानून में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि UIDAI वाले जो है सो आगे नेशनलिटी जो है किसी की पूछा जाए। और इसका क्लैरिफिकेशन भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद कल क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं UIDAI वाले, ये मान लिए कि उनके पास पावर्स नहीं किसी की नेशनलिटी पूछने के लिए। तो अब भी हमारा ये डिमांड है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग UIDAI वाले जो नोटिस जारी किया गया 127 लोगों के ऊपर, आप लोग जो है सो इमीडिएटली नेशनलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन किया गया वो सेंटेंस को, वो नोटिस को विड्रॉ करें। और दोबारा अगर आपको साबित करना है इलीगल इमिग्रेंट से अगर आपको शुबा है तो नई तरीके से इंक्वायरी करें, उसके हिसाब से लीगली वो करें। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग जो है सो फर्दर स्टेप लेंगे कि हायर ऑफिशियल्स को अप्रोच होने के साथ साथ जो है सो हाईकोर्ट में भी जो है सो रिट फाइल करने की कोशिश करेंगे अगर नहीं होता। और तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे NPR को लेकर, CAA को लेकर, NRC लेकर खौफ है पब्लिक को, तो उस असना में ये नोटिस आना और डबल जो है सो खौफ पैदा कर रहा है पब्लिक के अंदर। और कल सफर खान ने भी स्टेटमेंट दिया था, हमारे सामने बताए थे कि जैसा उन्होंने नोटिस लिया तो जब पढ़े वो लोग तो उनको ये महसूस हुआ कि क्या मुझे कहीं हार्ट अटैक आ जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट होंगे, उसमें सबका खौफ आ गया। साथ साथ उन्हों अपने आप में नहीं थे, फिर जैसा कि एडवोकेट्स हमारे पास अप्रोच किए, हम लोग उसकी कार्रवाई किए, उनको मेंटली साइकोलॉजिकली उनको समझा कर इस चीज़ को जो है सो हम उनको समझा कर ये चीज़ को मीडिया के ज़रिए हम लोग लेकर। तो इस किस्म का जो है सो खौफ हो चुका है, अगर खुदा ना खास्ता 127 लोगों में अगर किसी को भी अगर कुछ होता है या किसी की जान जाती है तो UIDAI वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इमीडिएटली हमारा डिमांड है लोगों से कि नोटिस को विड्रॉ करिए, ड्रॉप करिए प्रोसीडिंग्स, और अगर नहीं करने की सूरत में हम फर्दर जो स्टेप लेंगे उसको। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सोहेल मलिक, एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी को कन्वीनर प्लस पॉपुलेशन ऑफिस। चैनल के पास 20 तारीख हम लोगों आगे 11 बजे यहाँ से हम लोगों प्रेजेंट है, फिर ये कोई भी नहीं आया, ये मीटिंग कैंसिल हो गया बोल के सुन लिया हम लोग कोयला हम लोग यहाँ से, फिर वर्मा है बोल के ये नोटिस दिया आप लोग वर्मा के। तो ये नोटिस आप लोगों को कब भेजा? 3 तारीख काय के लिए भेजा? आधार कार्ड कैंसिल करने के वास्ते। तो आपका आधार कार्ड है यहाँ पे? है, हम लोग कोयला से है बोल के मालूम होते पकड़ के जेल में दिया, जेल में से हम लोग बेल हो के बाद आया इधर, 2 साल हुआ, 2 साल के बाद ये नोटिस भी जाया। आधार कार्ड कब बनाया आप? आधार कार्ड बनाया 4-5 साल हो। अच्छा, तो ये नोटिस खाली वर्मा वालों को दिया या पूरा एरिया में किसी को दिया? दिया, इधर वाले आदमी को भी दिया। अच्छा, वर्मा से आगे कितने साल हो रहा? 15 साल तक हो रहा। अभी कहाँ रह रहे पे? अभी यहाँ से डायमंड होटल के पास। अच्छा, कितने लोग हैं आपके पूरे? कितना लोग यहाँ से? बहुत आदमी बना के लिया। आपकी फैमिली में कितने हैं? हमको फैमिली में 4 जन। अच्छा, तो ये चारों का आधार कार्ड यहाँ का बन गया आपका? 2 जन का। आपका रिफ्यूजी कार्ड है आपका? है। आधार कार्ड कौन बना के दिया आपको? आधार कार्ड हम लोग वहाँ से मिसवा के पास जाके बना लिया। मिसवा के पास जाके बनाया? कितने लोगों का बनाया? 2 जन का, दूसरा के मालूम नहीं। अच्छा ठीक है। रासल, और ये एक नोटिस आया, CID वाले ने भिजाया नोटिस, इससे पहले भी एक भिजाया वो तो वकील के पास है, और ये भिजाया कहीं के लिए भिजाया नहीं मालूम, और मीटिंग होने का देखेंगे। फंक्शनल में मीटिंग हुआ बोल के आए बोल के बोले, और हमारा वकील साहब
शेडी वाले हम लोगों को भिजा दिया।